इसमिल्र रहीम अब ये हम ग्रुप थ्योरी के एमसीक्यूज़ जो क्वेश्चन नंबर फ़ाइव तक हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है अब हम क्वेश्चन नंबर सिक्स से स्टार्ट लेंगे और इसके एमसीक्यूज़ हम ग्रुप थ्योरी के सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है कि इफ़ जी इज़ अबिलियन ग्रुप दैन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी एल्स केयर इज़ इक्ल तो जब हमारे पास G जो है वो एक अबिलियन ग्रुप होता है तो ए बी स्केयर जो है वो ए स्केयर एंड बी स्केयर के इक्वल आता है इस वजह से यहाँ पर इसकी ये सी ऑप्शन करेक्ट है और इसी को अगर हम जनरलाइज़ फॉर्म में लिखें यानी अगर हमारे पास जैसा जी, जी जो है वो एक अबिलियन ग्रुप है तो ए बी स्केयर जो है वो यानी ए बी एन जो है वो ए एन बी एन के इक्वल आ जाएगा यानी यहाँ पर ये जो सेकंड दिया हुआ है कि इफ जी इज एन अबिलियन ग्रुप देन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू तो जी एन बिलोंग्स टू तो जी देन ए बी पावर एन इज़ इक्वल तो ये जनरलाइज फॉर्म में यही रिजल्ट को जनरलाइज किया हुआ है और ये ए एन बी एन यानी कि डी इसकी करेक्ट ऑप्शन है इसी तरह आप यहाँ पर Uh, मजीद आगे इसी को मजीद जनरलाइज किया कि जी इज एन अबिलियन देन ए बी बिलोंग्स टू जी एंड एन बिलोंग्स टू जी तो ए बी पावर एन प्लस वन जो है वो ए पावर एन प्लस वन और बी पावर एन प्लस वन के इक्वल आ जाएगा तो ये इसकी करेक्ट ऑप्शन बनती है द नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप जी इज कॉर्ड तो ये डेफिनेशन है ग्रुप के ऑर्डर की कि जितने ग्रुप में एलिमेंट्स होंगे उतना ही उसका ऑर्डर होगा लाइक like जी हमारे पास जिसरा जी जो है वो अगर ये वन ओमेगा ओमेगा स्कीयर है ये एक हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का ग्रुप है और इसमें चूंकि वन टू एंड थ्री थ्री एलिमेंट्स हैं तो इसका ऑर्डर जो है वो थ्री है यानी हमारे पास जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतना ही हमारे पास उसका ग्रुप का जो है वो ऑर्डर कहलाता है तो यहाँ पर जो है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप जी इज कॉल्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो वो कहलाते हैं ऑर्डर नेक्स्ट है इफ अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ डैश एलिमेंट्स देन इट इज सेट टू बी एन इनफिनिट ग्रुप अब ग्रुप भी दो तरह के होते हैं ग्रुप दो तरह के होते हैं एक फाइनाइट ग्रुप है और एक इन्फिनिट ग्रुप है अगर हमारे पास जो ग्रुप दिया हुआ है वो फाइनाइट है तो उसका ऑर्डर भी फाइनाइट होगा लेकिन अगर एक ग्रुप जो है वो इन्फिनिट है तो उसका जो यानी तादाद जो एलिमेंट्स की है वो इन्फिनिट है लाइक like जी हमारे पास एग्जांपल है और क्यू माइनस ज़ीरो तमाम जो हैं वो ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है इसी तरह रियल नंबर्स माइनस ज़ीरो इन में ये नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स नॉन जीरो रैशनल नंबर्स ये तमाम जो हैं वो ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन हैं और ये एग्जांपल्स हैं इन्फिनिट ग्रुप्स की क्योंकि इनमें इन्फिनिट एलिमेंट्स हैं और तो इस वजह से ये भी इन्फिनिट ग्रुप्स हैं तो इफ़ अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ डैश एलिमेंट्स यानी कि इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तभी उसका जो है ऑर्डर ग्रुप का भी वो इन्फिनिट ग्रुप होगा इफ जी इज़ अ ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी द ऑर्डर और पीरियड ऑफ ए इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन अब यहाँ पर जो है एक एलिमेंट के का के का ऑर्डर की डेफिनेशन पूछी है यानी उसका जिक्र है अब यहाँ पर है कि अगर हमारे पास जी ग्रुप है इसमें एक एलिमेंट है तो एक एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो यानी ये जो पावर है वो सबसे लीस्ट होती है तो वो इक्वल आइडेंटिटी एलिमेंट के होता है तो ये हमारे पास जो है वो एक एलिमेंट के ऑर्डर की डेफिनेशन है नेक्स्ट है इन द ग्रुप जी ये दिया हुआ है हमने ऑर्डर वन का फाइंड करना है इस ग्रुप में चूंकि वन जो है वो ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लीकेशन और इसमें वन इसका जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा आ, आ, जो है वो वन ही होता है क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट बजाते ख़ुद अपने ही इक्वल होती है इस वजह से उसका हमेशा ऑर्डर जो है वो वन है अब नेक्स्ट है इन द ग्रुप जी ये हमें ग्रुप दिया हुआ है अब इसका एलिमेंट माइनस वन का हमने ऑर्डर बताना है तो एलिमेंट का ऑर्डर ये है कि हम उसकी वो सबसे लीस्ट पावर जहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए चूँकि इस ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट वन है तो हम माइनस वन की पावर अगर टू लेते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस और ये वन आ जाएगा यानी माइनस वन का ऑर्डर जो है वो टू है यानी वो लीस्ट पावर जहाँ पर इसका आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए नेक्स्ट है अब इसी तरह हमें यहाँ आयोटा दिया हुआ है अब हमने आयोटा का ऑर्डर फाइंड करना है यानी कि आयोटा स्कीयर लिया तो एयोटा स्कियर इज इक्वल माइनस वन आ जाता है और अयोटा अगर हम क्यूब लेते हैं तो क्यूब का मतलब है एयोटा स्केयर इंटू आयोटा और आयोटा स्केयर की जगह आ गया माइनस वन इंटू आयोटा यानी ये माइनस आयोटा आ रहा है क्यूब लिया अभी भी आइडेंटिटी नहीं आया तो आयोटा की पावर फोर लेंगे आयोटा स्केयर इंटू आयोटा स्केयर माइनस वन इंटू माइनस वन दैट इज इक्वल वन यानी आयोटा की पावर जो है वो फोर आ गई है इसी तरह अब हमारे पास यहाँ पर है Uh, हमने ऑर्डर फाइंड करना है नेक्स्ट एम सी क्यू है माइनस आयोटा का तो माइनस आयोटा जो है उसका भी हम अगर ऑर्डर कैलकुलेट करें तो हमारे पास है माइनस आयोटा इन माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस दैट विल बिकम आयोटा स्केयर इज इक्वल माइनस वन और अगर हम इसकी अगेन पावर हम इसकी थ्री लें तो हमारे पास इंटू माइनस एटा दैट विल बी माइनस माइनस प्लस एटा आ जाता है और माइनस एटा की अगर पावर फोर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है एटा स्केयर इंटू एटा स्केयर और दैट विल बी इक्वल वन यानी हमारे पास माइनस एटा की क, की का ऑर्डर भी जो है वो फोर है क्योंकि वो पावर फोर पे जाकर आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है द नेक्स्ट एमसीक्यू है कि इन अ ग्रुप द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट लेस देन द ऑर्डर ऑफ इट्स इनवर्स नहीं बिल्कुल गलत है क्योंकि एक एलिमेंट और उसके इनवर्स का ऑर्डर हमेशा सेम होता है ग्रेटर देन द ऑर्डर ऑफ इट्स इनवर्स ये भी गलत है बराबर होता है यहाँ पर ये ऑप्शन सही है सेम एज़ दैट ऑफ इट्स इनवर्स यानी एक एलिमेंट का इनवर्स एक एलिमेंट का जो है इनवर्स और एक एलिमेंट का बजाते खुद ऑर्डर सेम होता है इसलिए इसकी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो एम सी क्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी ऑपरेशन इन एन एन यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमारे पास यानी कि एन हमारे पास है वन टू थ्री एंड सो so ऑन तो अब ये हमें देखना है कि आया इसमें यह बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है अगर ये हम फर्स्ट चेक करते हैं कि एम माइनस एन दिया हुआ है एम माइनस एन अगर हम एम माइनस एन लेते हैं तो यहाँ पर देखें कि अगर हमारे पास है लेट से फोर माइनस फाइव तो माइनस वन आ जाता है एंड माइनस वन डज नॉट बिलोंग्स टू एन इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो निकल गई नेक्स्ट है एम डिवाइड एन अगर हम m डिवाइड n करते हैं तो अगेन हमारे पास फ़ोर uh, अगर हम फोर डिवाइडेड बाय फाइव लेते हैं तो ये हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यू आ जाती है तो ये भी ऑप्शन जो है वो गलत हो गई एम एन का मल्टीप्लिकेशन है यानी एम इंटू एन इसी तरह फ़ोर इंटू फाइव अगर करते हैं तो ट्वेंटी आ जाते हैं ट्वेंटी बिलोंग्स टू एन यानी जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं उनका हम मल्टीप्लाई uh, करेंगे तो वो वापस हमारे सेट एन में बिलोंग करता है यानी ये वाली ऑप्शन जो है वो क्लोज है अब इसको एक दफा चेक कर लें कि यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है एम प्लस एन माइनस एम स्केयर अगेन इस नेगेटिव की जो वजह से प्रॉब्लम आ जाएगी यानी अगर यही हम फोर एंड फाइव वैल्यू लेते हैं तो फोर प्लस फाइव माइनस फोर का स्केयर यानी कि सिक्सटीन तो वी हैव नाइन माइनस सिक्सटीन दैट इज इक्वल माइनस सेवन अगेन माइनस सेवन डज नॉट बिलोंग्स टू एन यानी इस माइनस की वजह से ये भी ऑप्शन जो है वो गलत हो गई तो सिर्फ प्रोडक्ट वाली यानी कि ऑप्शन सी इसकी परफेक्ट है द नेक्स्ट स्टेटमेंट ये हमें दिया हुआ है एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इसमें नॉट दिया हुआ है कि इज़ अ कम्यूटेटिव बाइंड्री ऑपरेशन इन R केयर और नॉट इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन इन आर एंड इज़ अ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन इन आर अब इसको हमने चेक करना है तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी भी हैं कि नॉट इज़ अ कम्यूटेटिव बाइंड्री ऑपरेशन इन आर स्कियर नॉट नॉट अ बाइंड्री ऑपरेशन इन आर स्कियर यहाँ पर यानी यह कम्यूटेटिव भी है और यहाँ पर दिया हुआ कि बाइंड्री है अब इज़ अ बाइंड्री ऑपरेशन इन आर एंड कम्प्यूटेटिव बाइंड्री ऑपरेशन इन आर तो ये चूँकि एलिमेंट्स ही आर स्कीयर की हैं इसलिए हम इसको आर वाली ऑप्शन छोड़ के आर स्कीयर वाले में ही चेक कर लेते हैं सबसे पहले हम ये अगर कम्प्यूटेटिव चेक करें अब हमें दिया हुआ है एक्स वाई नॉट एक्स डैश वाई डैश इसका है एक्स एक्स डैश माइनस वाई वाई डैश एंड वाई एक्स डैश प्लस एक्स वाई डैश अब ये जो कि हमारे पास एलिमेंट्स हैं आर स्केयर के और आर स्केयर में हम यहाँ पर अगर इनके इंटरचेंज कर लें यानी एक्स डैश एक्स लिख लें माइनस वाई डैश एंड वाई एक्स डैश वाई प्लस वाई डैश एंड एक्स तो इसको अगर देखा जाए तो ये हमारे पास ऑप्शन बन जाती है x- डैश not डैश नॉट y की तो ये हमारे पास जो है वो आर स्केयर में जो है ये कम्यूटेटिव हो गया अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट है कि डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इन क्यू एज़ ए स्टार बी इज़ इक्वल नाइन ए बी द आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टार इज़ अभी इसमें से हमने आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो डिसाइड करना है तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है ए स्टार बी इज़ इक्ल नाइन ए बी अब यहाँ पर ऑप्शन जीरो वन नाइन एंड वन ओवर नाइन है अब आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन है कि वो जब ऑपरेशन जिस भी एलिमेंट के साथ उसको लगाया जाए तो वापस वही एलिमेंट आए अब यानी हमने इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एस बी यानी कि हमारे पास अगर ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि यहाँ पर जब हम इस पर ऑपरेशन लगाएँ यानी ए स्टार बी को अगर हम ई e लिखें तो ये ए आना चाहिए इट मीन्स कि जबकि ये नाइन स्टार ई है इसकी जगह पर अगर हम ये नाइन यानी बी की जगह पर कौन सी वैल्यू हम डिसाइड करें कि हमारे पास यहाँ वापस ए आए तो वो वन ओवर नाइन है वन ओवर नाइन होगा तो फिर हमारे पास ये जो है इसका रिज़ल्ट जो है वो ए आता है इट मीन्स के ई e हमारे पास यहाँ पर वन ओवर नाइन है ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वन ओवर नाइन है नेक्स्ट है डिफाइन अबाइनरी ऑपरेशन इन क्यू क्यू में अगेन ए स्टार बी इज इक्वल नाइन ए बी द इनवर्स ऑफ वन ओवर थ्री विद रिस्पेक्ट टू स्टार कहा गया है कैलकुलेट करना है हमने इनवर्स ऑफ वन ओवर थ्री तो अब यहाँ पर इनवर्स uh, की डेफिनेशन भी यही होती है कि ए यानी ऑपरेशन लगाया जाए तो आइडेंटिटी एलिमेंट कैलकुलेट हो अब इसी सेम क्वेश्चन में हमने अभी यहाँ पर कैलकुलेट किया है कि आइडेंटिटी एलिमेंट वन ओवर नाइन है अगर ये हमें यहाँ तक ही क्वेश्चन दिया होगा तो पहले हमें उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर हम उसका इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं अभी यहाँ पर चूँकि हमने यही सेम इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कैलकुलेट किया इसीलिए इसी की मदद से हमने क्योंकि ये सेम क्वेश्चन ही है और इसमें हमने आइडेंटिटी एलिमेंट कैलकुलेट कर लिया है तो इसी की मदद से इसका आइडेंटिटी एलिमेंट लेकर हम इसका इन्वर्स जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे अब यानी हमारे पास है ए स्टार बी इज एकवल नाइन ए बी अब हमने वन ओवर थ्री का हमारे पास वन ओवर थ्री का जो है हमने इनवर्स एलिमेंट फाइंड करना है तो इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन ये है कि ए स्टार ए इन्वर्स इज ईक्ल आइडेंटिटी एलिमेंट अब लैट से ये है तो हमारे पास ए की वैल्यू वन ओवर थ्री है अब बी हमने डिसाइड करना है यानी उसका इनवर्स के यानी क्या होगा कि ये हमारे पास ये नाइन वन ओवर थ्री और बी की क्या वैल्यू हो कि ये हमारे पास वन ओवर नाइन आ जाए ऑब्वियसली थ्री थ्री ज़ार नाइन और यहाँ चूके हमने वन ओवर नाइन लाना है इट मीन्स कि वन ओवर ट्वेंटी सेवन होगा तो थ्री नाइन ज़ार ट्वेंटी सेवन आता है ताकि ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए इट मीन्स के जो ए, ए, ए का इनवर्स है वो वन ओवर नाइन है सॉरी वन ओवर ट्वेंटी सेवन बनता है तभी हमारे पास वन ओवर ट्वेंटी सेवन हम पुट करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट हासिल होगा इसका मतलब है कि यहाँ जो वन ओवर थ्री है उसकी करेक्ट ऑप्शन वन ओवर ट्वेंटी सेवन है अब यहाँ पर हमारे पास ये दिया हुआ है कि डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन अगेन वो सेम है और इनवर्स ऑफ ट्वेंटी सेवन विद रिस्पेक्ट टू स्टार उन्होंने कर, मांगा है तो हमारे पास है इसमें ये हमें मालूम हो गया है कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट वन बाय नाइन है तो इट मीन्स कि अब हम ट्वेंटी सेवन को किस से ऑपरेट करेंगे कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट वन बाय नाइन आ जाए और यहाँ पर ए स्टार बी इज़ नाइन ए बी है यानी कि ट्वेंटी सॉरी नाइन इंटू ट्वेंटी सेवन इन क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये वन ओवर नाइन आ जाए तो ऑब्वियसली यहाँ पर वन ओवर नाइन इंटू ट्वेंटी सेवन इंटू नाइन वैल्यू होगी तो वन ओवर नाइन आएगा क्योंकि ये नाइन नाइन कैंसिल ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन और ये वन ओवर नाइन तो ये इनको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है वन ओवर टू वन एट सेवन तो ये वैल्यू होगी तो हमारे पास ये आइडेंटिटी एलिमेंट आता है इसलिए यहाँ पर इसकी करेक्ट ऑप्शन ये आ जाती है अब नेक्स्ट है कि डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन इन क्यू एस ए स्टार बी इज इक्वल वन ओवर सिक्स ए बी दिया है और हमने इनवर्स ऑफ थर्टी सिक्स फाइंड करना है अब चूंकि ये पहला सवाल हमारे पास आया है नया है क्वेश्चन यानी ए स्टार बी इक्वल वन ओवर सिक्स ए बी अब एलिमेंट का हमने जो है वो इनवर्स फाइंड करना है एलिमेंट का इनवर्स का मतलब है कि हमारे पास इधर पहले आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मालूम होगा कि इस आ, 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 जो सेट है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है तब फिर हम जो है वो इस एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट कैलकुलेट करने में कामयाब होंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए है कि ए स्टार लेट्स से ई हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो ए आए तो यहाँ हमारे पास वन ओवर सिक्स है यहाँ हमारे पास ए है तो इट मीन्स के बी को हम सिक्स लिखेंगे ताकि ये ऑपरेट उप, होकर हमारे पास ए आ जाए और आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन को ही सेटिस्फाई कर जाए यानी इसमें फिर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो सिक्स कैलकुलेट होता है अब जब आइडेंटिटी एलिमेंट सिक्स कैलकुलेट है तो हमने थर्टी सिक्स का इनवर्स बताना है तो हमारे पास ए स्टार बी इज इक्वल वन ओवर सिक्स ए बी है एलिमेंट थर्टी सिक्स यानी इनवर्स एलिमेंट हम क्या लें कि हमारे पास ये सॉल्व होकर जो है आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए यानी बी की हमें क्या वैल्यू हो कि ये हमारे पास सिक्स आ जाए तो ऑब्वियसली बी की यहाँ वन लेंगे तो सिक्स सिक्स आर थर्टी सिक्स होता है तो हमारे पास यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए इट मीन्स कि बी की वैल्यू यहाँ पर जो है वो बी की वैल्यू यहाँ वन है तो यहाँ पर फिर कोरेक्ट ऑप्शन जो है वो वन बनती है नेक्स्ट अब क्वेश्चन है कि डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन इन क्यू सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल दिस दिया हुआ है द आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टार इज अब हमने इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ए स्टार बी जो है वो की वन है दैट इज इक्वल इंटीग्रल जीरो स्केर रूट ए बी एक्स डी एक्स इसको ही अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है एक्स केयर बाय टू एंड ज़ीरो टू अपर लिमिट्स केयरूट ए बी वैल्यूज अगर हम लगाएं तो हमारे पास ए स्टार बी जो है वो आ रहा है ए बी बाय टू अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी यानी कि बी की हमारे पास uh, ये जो डेफिनेशन होती है आइडेंटिटी की कि ए स्टार ई इज़ इक्वल जो है वो ए होना चाहिए यानी अब बी की हम क्या वैल्यू यहाँ पर डिसाइड करें कि हमारे पास यहाँ सिर्फ जो है वो ए आए तो ऑब्वियसली हम uh, जो है यहाँ पर बी की वैल्यू जो है सिर्फ ए लानी है तो बी की वैल्यू अगर हम टू लेते हैं देन ये टू टू कैंसिल होकर जो जस्ट ये ए आएगा तो बी की वैल्यू का मतलब यह है कि हमारे आइडेंटिटी जो है यहाँ पर इसमें हमारे पास आइडेंटिटी जो है वो टू होगी तो ये हमारे पास जो है ए आता है यानी यहाँ पर हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन फिर टू है नेक्स्ट ये दिया हुआ है द हमने अब इनवर्स फाइंड करना है अब यहाँ से हमें मालूम हम हो गया है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो टू है और फाइव बाई नाइन का हमने इनवर्स एलिमेंट जो है वो कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर अब हम लें ए स्टार बी दिया हुआ है ज़ीरो स्केयर रूट ए बी एक्स डी एक्स इसका आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो टू कैलकुलेट हुआ है हमने इनवर्स बताना है फाइव बाई नाइन का यानी फाइव बाई नाइन और स्टार कौन सा इन्वर्स एलिमेंट हो कि यहाँ पर जो है वो टू आ जाए ठीक है आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो टू आए तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारे पास जो है ये जब हमने कैलकुलेट किया है तो ये हमारे पास वैल्यू आई है इसकी ए बी ओवर टू तो यहाँ ए हमारे पास है फाइव बाई नाइन और बी की हमने अभी डिसाइड करनी है डिवाइडेड बाय टू कि इस कंप्लीट को हम सॉल्व करें तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ टू आए तो ऑब्वियसली बी हमारे पास यहाँ होना चाहिए कैंसिल होने के लिए यानी ऊपर नाइन नीचे फाइव और साथ में ये टू को भी कैंसल होना चाहिए इट मींस कि यहाँ पर आ, हमारे पास फोर होगा तो जो हमारे कट कर ये सिर्फ टू रह जाएगा इसका मतलब है कि b की वैल्यू या इन्वर्स कह लें जो a के साथ a का इन्वर्स जो है थर्टी सिक्स बाय फाइव आता है तो फिर हमारे पास ये सिर्फ इसकी आइडेंटिटी टू आती है यानी कि a हमारे फाइव बाई नाइन है तो इसका इन्वर्स थर्टी सिक्स बाय फाइव है तो यहाँ पर फिर ये करेक्ट ऑप्शन जो है वो d है अब नेक्स्ट लास्ट इसका पार्ट है कि ईफ मेगा इज़ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ एन अबिलियन ग्रुप तो ये बहुत दफ़ा हम एग्ज़ाम्पल कर चुके हैं कि ये हमेशा अबिलियन ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लीकेशन क्योंकि अंडर एडिशन तो हो ही नहीं सकता वन प्लस ओमेगा जो है वो क्लोज नहीं होता इसी तरह अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर लेती हैं तो वो भी इस एलिमेंट को बिलोंग नहीं करता सिर्फ ये अंडर मल्टीप्लीकेशन ही ये जो ग्रुप है वो अबिलियन uh, ग्रुप है